वो एक प्रोडक्ट जो हमारे मेकअप के लिए सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है हमारी फाउंडेशन। और हमें मिल जाए एक ऐसी फाउंडेशन जो हमारे मेकअप को तो ग्लो दे ही दे और उसके साथ साथ हमारी स्किन को भी ग्लो दे दे, तो बस फिर कहना ही क्या। तो यस, ओरिफ्लेम ने लॉन्च करी है इस बार हमारे लिए जुड़ानी गोल्ड की रेंज में सीरम बूस्टेड फाउंडेशन, जो कि है एज रिफाइंड सीरम बूस्ट फाउंडेशन। तो चलिए आज की ये वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ और अनबॉक्स करेंगे हम जुड़ानी गोल्ड एज रिफाइंड सीरम बूस्ट फाउंडेशन। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। हाय फ्रेंड, आई एम वर्षा मित्तल और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ जुड़ानी गोल्ड की एज रिफाइंड सीरम बूस्ट फाउंडेशन, जो कि अपने आप में है एक मल्टी बेनिफिट फाउंडेशन, जो कि आपकी स्किन के मॉइस्चर लेवल्स को तो इंक्रीज करती ही करती है और साथ में देती है एक बहुत ही रेडिएंट ग्लो हर एप्लीकेशन के साथ। तो सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि ये जो फाउंडेशन है ये 3 शेड्स में अवेलेबल है और इसकी जो पैकिंग है वो 30 ml की पैकिंग है। आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सी पैकिंग है हमारी जुड़ानी गोल्ड की फाउंडेशन। वैसे भी ये जो रेंज है ये जानी जाती है बहुत ही प्रीमियम रेंज में, और इस फाउंडेशन की अगर पर्टिकुलरली बात करूँ तो ये किसी भी एज ग्रुप का पर्सन इसको यूज कर सकता है। इन फाउंडेशन की जो सबसे अच्छी बात ये है कि ये बिल्डेबल कवरेज के साथ है और उसके साथ साथ हर एप्लीकेशन के साथ ही आपके स्किन के मॉइस्चर लेवल को इंक्रीज करती है और साथ ही साथ देती है बहुत ज्यादा रेडियंस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर है प्रीबायोटिक सीरम्स और साथ ही साथ है इसके अंदर लोटस फ्लावर एक्सट्रैक्ट्स। तो क्या करते हैं प्रीबायोटिक सीरम्स, ये जैसे ही आपके स्किन के अंदर जाते हैं आपकी स्किन को देते हैं बहुत ही ज्यादा ग्लो और हर एप्लीकेशन के साथ ही ग्लो आपके स्किन में इंक्रीज होता चला जाता है। इतना ही नहीं, बिकॉज इसके अंदर है लोटस फ्लावर एक्सट्रैक्ट्स जो लिए जाते हैं नेचुरल मरीन इकोसिस्टम से, तो जैसे ही आपके स्किन पर जाते हैं आपके स्किन के जो सिस्टम है सेल बैरियर सिस्टम है उसको बहुत अच्छे से इम्प्रूव करते हैं, आपको रिजल्ट मिलता है। एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि हाइब्रिड प्रोडक्ट है जिसको हम मेकअप और स्किन का हाइब्रिड बोल सकते हैं। अभी तक ऐसा प्रोडक्ट हमारे पास आता था सिर्फ और सिर्फ सीसी क्रीम, जहां पर हम बोलते थे स्किन और मेकअप का हाइब्रिड, बट अब आपको मिल रही है ऐसी फाउंडेशन जो स्किन और मेकअप का हाइब्रिड है, यानी कि आप जब इसको यूज करते हैं आपको मिलता है SPF 10, आपके स्किन सन प्रोटेक्शन भी आपको मिल रहा है इसके अंदर, आपको इसके अंदर एक ग्लो भी मिल रहा है और इसके साथ साथ हर एप्लीकेशन के साथ आपके स्किन का मॉइस्चर लेवल भी इंक्रीज हो रहा है। तो एक ऐसी फाउंडेशन जो हर पर्सन यूज कर सकता है, किसी भी एज ग्रुप का पर्सन है वो यूज कर सकता है और इसके साथ साथ आप अपनी स्किन को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो दिस इज वन फाउंडेशन और अब मैं आपको दिखाऊंगी इसके 3 शेड जो कि अवेलेबल है। यहाँ पर हमारे सबसे पास है सबसे पहले वनीला कूल, उसके बाद है यहाँ पर ये पोर्सिलेन कूल और थर्ड शेड है इसमें हमारे पास बेज वॉर्म। तो मैं आपको ये शेड थोड़े थोड़े से ट्राई करके दिखाती हूँ सो देट आपको पता रहे। ये हमारा ये शेड और जैसे हमारी जुड़ानी गोल्ड की फाउंडेशन होती है नोजल के साथ, तो यस मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ ये हमारा वनीला कूल शेड है और बहुत अच्छी इसकी कवरेज है। अभी आप देखिएगा, आप इसको क्लीन स्किन के ऊपर जब आप प्राइमर लगा लेते हैं जब भी हम मेकअप करते हैं उसके बाद इसको अप्लाई करते हैं, तो आप ये देखिए ये फाउंडेशन जो है बहुत अच्छे से बहुत स्मूथ बहुत सिल्की फाउंडेशन है ये, बिकॉज इसके अंदर लोटस फ्लावर एक्सट्रैक्ट्स है तो बहुत सिल्की स्मूथ कवरेज भी देती है ये आपके स्किन को। तो आप देख सकते हैं एकदम से ये बिल्ड हो जाती है कवरेज और बहुत अच्छे से आपके स्किन के अंदर मर्च हो जाती है। आप देख सकते हैं मेरे दोनों हैंड्स में डिफरेंस, बिकॉज दिस इज 1 शेड लाइटर टू मी, तो आपको देख सकते होंगे कि ये थोड़ा सा लाइटर जा रहा है मेरे स्किन के ऊपर, बट ये एकदम से मर्च हो गई है, बहुत सॉफ्ट एंड रेडिएंट इसका टेक्सचर है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसका सेकंड शेड विच इज पोर्सलिन कूल और मैंने अभी यही वाला शेड अप्लाई करा हुआ है। जैसे कि हमारी सारी जुड़ानी गोल्ड की फाउंडेशन आते हैं एक नोजल के साथ, आप इसको डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं अपने स्किन पर। सिर्फ इतना सा शेड मैंने यहाँ पर लिया है और इसको जब मैं अप्लाई करूंगी अपनी सिर्फ फिंगर्स के साथ, आप अपने फेस पर भी चाहें तो इस फिंगर्स के साथ ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये देखिए, बिकॉज ये जो शेड है ये बिल्कुल मेरी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग का है, क्योंकि मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ आप अपने स्किन टाइप के
अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग का शेड लीजिए, ना शेड लाइटर और ना शेड डार्कर। तो ये बिल्कुल आप देख सकते हैं बिल्कुल मर्ज हो गया है मेरे स्किन कलर के साथ। ऑल्दो हम जब सजेस्ट करते हैं कि जब आपने फाउंडेशन लेनी है तो आप हमेशा अपनी जॉ लाइन के ऊपर अपनी फाउंडेशन को ट्राई करिए, सो दैट कि आपको एक परफेक्ट शेड आपकी स्किन टोन का मिल सके। एंड थर्ड शेड इज बेज फॉर्म। तो ये थोड़ा सा डस्की लोग जिन लोगों की थोड़ी सी डस्की कॉम्प्लेक्शन है उनके लिए बहुत अच्छे से ये फाउंडेशन जाएगा। तो ये भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर टच करके दिखा देती हूँ। तो ये मैं आपको थोड़ा सा यहीं पर ही करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए आप, ये थोड़ा सा डार्क शेड, डार्कर शेड है। तो मैं अब आपको तीनों शेड दिखाती हूँ। ये हमारा बेज फॉर्म, ये था पोर्सलिन कूल, ये भी मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रही हूँ। दिस इज द पोर्सलिन कूल, और मैं आपको साथ में दिखा रही हूँ वनीला कूल। तो ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ वनीला कूल, सो दैट कि आपको तीनों ही शेड्स का डिफरेंस पता चल पाए। ये देखिए, आई होप कि आपको ये तीनों शेड्स दिख पा रहे होंगे अच्छे से। यहाँ पर सबसे पहले है मेरे हाथ में वनीला कूल, देन पोर्सलिन कूल, एंड देन इट इज बेज वॉर्म। तो ये तीनों शेड्स आपको अच्छे से दिख पा रहे होंगे। वनीला कूल उन लोगों के लिए है जिनका कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा फेयर है, पोर्सलिन कूल मेरे जैसे कॉम्प्लेक्शन वाले लोगों के लिए हैं, एंड बेज फॉर्म जिनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डस्की है। तो आई एम श्योर कि अब आप बहुत ही इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं अपने इस फाउंडेशन के शेड को। और सबसे अच्छी बात इस फाउंडेशन की ये भी है कि जैसे जैसे ही आप इस फाउंडेशन को लगाते हैं आपके जो विजिबल साइंस ऑफ एजिंग होते हैं वो भी दिखते नहीं हैं, वो भी कवर अप हो जाते हैं, और ये फाउंडेशन आपकी जो लाइंस हैं उनमें सेटल अप नहीं होती है, किसी भी तरह की क्रीज नहीं बनती, और आपको मिलते हैं परफेक्ट स्मूथ स्किन जिससे आप अपने मेकअप को बहुत अच्छे से बहुत ही रेडिएंटली कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपको बहुत अच्छी कवरेज चाहिए तो आप एक बार दोबारा से भी रीअप्लाई कर सकते हैं अपनी फाउंडेशन को, सो दैट आप एक पार्टी लुक भी क्रिएट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इट्स अ मस्ट बाय फ्रॉम माय साइड, मेरी साइड से इसको 10 out of 10 इस फाउंडेशन को मिलते हैं, बिकॉज यस इट्स अ वेरी गुड फाउंडेशन। इस बार तो वैसे भी ड्रीम डील के ऊपर है। इस फाउंडेशन की जो ओरिजिनल एमआरपी है दैट इज 1799 rupees, बट अगर आप इन द मंथ ऑफ मे आप परचेज कर रहे हैं हमारी कैटलॉग से 1000 rupees के कोई भी प्रोडक्ट अपनी चॉइस के, तो आपको ये फाउंडेशन मिलती है ओनली फॉर ₹899, और आप अपनी चॉइस के कोई भी 3 shades ले सकते हैं। तो आई एम श्योर आपको भी ये फाउंडेशन जरूर पसंद आई होगी, आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिएगा, और जो बराबर में लगा हुआ नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर ऑन कर लीजिएगा, सो दैट मेरी सारी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।